Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. तमिलनाडु में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को चेन्नई दौरे पर पहुंचे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने पहुंचते ही सत्ताधारी यानी कि AIADMK के साथ आगामी चुनाव के लिए गठबंधन भी पक्का कर लिया है। स्पष्ट है कि तमिलनाडु में इस बार बीजेपी की रणनीति आक्रामक रहने वाली है। जानकारी मिली है कि गृह मंत्री ने शनिवार रात को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि RSS विचारक एस गुरुमूर्ति से लीला प्लेस में मुलाकात की है। यह मुलाकात बेहद अहम मानी जा रही है क्योंकि गुरुमूर्ति ने पिछले दिनों फिल्म सुपरस्टार रजनीकांत से मुलाकात की। सूत्र के अनुसार अमित शाह और RSS नेता के बीच हुई मुलाकात में रजनीकांत के राजनीतिक मुद्दों को लेकर भी बात हुई है। फिल्म अभिनेता रजनीकांत से अमित शाह की मुलाकात होगी या नहीं होगी, इसको लेकर अभी तस्वीरें साफ नहीं हुई है। बता दें कि रजनीकांत ने 2017 में 31 दिसंबर को राजनीति में आने की बात कही थी। उस वक्त रजनीकांत ने कहा था कि जब सही समय आएगा तब वे राजनीति में आ जाएंगे। इसके विपरीत इस साल मार्च महीने में रजनीकांत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री बनने की चाहत कभी नहीं रखी और ना ही बनना चाहते हैं। ऐसे में अमित शाह और एस गुरुमूर्ति की मुलाकात के बाद रजनीकांत की राजनीति में पदार्पण की बात की जा रही है। अमित शाह ने DMK पर सीधा हमला कर बीजेपी की नीति साफ कर दी है। पार्टी राज्य में बड़ी भूमिका की तैयारी में है। हालांकि पार्टी की राह में सबसे बड़ी बाधा अपना कैडर तैयार करना और एक ऐसा स्थानीय नेता ढूंढना जिसका चेहरा आगे कर मोदी शाह की जोड़ी जनता से वोट मांग सके। इसके अभाव में बीजेपी को फिलहाल दिल्ली के नेताओं से ही चेन्नई की राजनीति करनी होगी। साल 2016 के चुनाव में 2014 की मोदी लहर तमिलनाडु में देखने को नहीं मिली थी। बीजेपी ने राज्य की 234 में से 188 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन राज्य में बीजेपी का खाता भी नहीं खुला था। राज्य में बीजेपी को 2.84% वोट मिले थे, लेकिन बीजेपी इस बार हर हाल में राज्य में अपनी दमदार मौजूदगी चाहती है। न्यूज रूम से न्यूज लाइव की रिपोर्ट। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.